मौसम के मिजाज की बात करेंगे। बेमौसमी बरसात हरियाणा के किसानों पर कहर बनकर बरप रही है। बारिश ने चरखी दादरी की अनाज मंडी में खुले में रखे हजारों क्विंटल सरसों और गेहूं को बर्बाद कर दिया। मंडियों में पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से किसानों ने खुद ही गेहूं को भीगने से बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बारिश होने के चलते मंडियों में गेहूं और सरसों की ढेरियां भीग गई। मंडी में अपने उपज को बेचने के लिए आए किसानों का कहना है, अब खुले में सरसों के भीगने की वजह से इसकी कीमत आधी भी नहीं रह गई। किसानों ने कमेटी के लापरवाह कर्मचारियों और शेड्स के नीचे अवैध स्टॉक लगाकर बैठे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और साथ ही खराब हुई फसल के मुआवजे की भी मांग की गई है। तो मंडी में खुले में पड़ी थी फसल और अब ये फसल बर्बाद हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया और अवैध स्टॉक जो है यहाँ पर लगाकर व्यापारी बैठे थे। मुआवजे की मांग अब जो है किसानों की ओर से की जा रही है। चरखी दादरी की ये तस्वीरें आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर किसानों की मेहनत पर पानी फिरा है बारिश की वजह से। कृपाल नहीं है, कुछ नहीं है। किसान और मजदूर इस सरकार ने पीस की डाल दिया है। सरकार प्रशासन का कोई व्यवस्था बंदोबस्त नहीं है। किसान सुबह आ जाता है, वापिस अपनी ठेली भरकर वापिस ले जाता है, दाने भीग जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। शेड है वो भी छोटा है, तरपाल का कोई बंदोबस्त नहीं है। इस किसान को कितनी गहरी मार मारेंगे। मार्केट कमेटी वालों ने एक लेटर निकाला हमारे खिलाफ कि भाई आपने इंतजाम नहीं किया। हमने इंतजाम किया, ऊपर से ढक दिया। आप कट्टे देखो मेरे, सभी कट्टे सूखे हुए हैं, नीचे सारा पानी गया हुआ है। शेड के अंदर 20 फुट तक अंदर ये देखो सारा भी गया हुआ है। क्या हम शेड में भी तिरपाल लगाएंगे? ये सारी जिम्मेवारी मार्केट कमेटी की है। बाहर का पानी अंदर आ रहा है शेड के अंदर, तो इसका कौन जिम्मेवार है? हमारे को भी नुकसान हो रहा है और जमींदार को भी नुकसान हो रहा है। इस वजह जो कल बरसात हुई है उसमें किसानों का तो कोई नुकसान नहीं है, गेहूं का नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। बस थोड़ी सी ऊपर से आध इंच से करीब भिजा गेहूं, बाकी वो आढ़तियों के पास जो माल पड़ा था सरकार का, जिन आढ़तियों ने तिरपाल नहीं ढके हुए उनको हमने नोटिस जारी कर दिए हैं। और लगभग 8 तिरपाल ढके हुए थे, जिन्होंने कानून की अवहेलना की उनको हमने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर दिए।